बिहार में तो भ्रष्टाचार का मतलब चरम बोला वाला है। ये पुल क्या अभी तो और ज्यादा पुल गिरेंगे, अभी कोई पहली घटना नहीं है। सरकार जो है जो मापदंड जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ पैसा कमाने और बिल पेमेंट करने के लिए। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? आपके राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो राज्य सरकार को क्या इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में? देना चाहिए। जनता का जो करोड़ों का जो मेहनत का रुपया है उसको आप इसी पानी में बहा दीजिएगा तो भारत बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आपको बता दें कि अभी मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ढोली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि बीते दिन भागलपुर में 1750 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने सीधे तरह से मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां ढोली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सांसद अजय निषाद ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। वही पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अजय निषाद, पहले आपको सुनाते हैं। पुल गिर गया है सर, 1700 की लागत। घटना नहीं हुई है, लगातार दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। और जो सरकार मतलब समझिए कि इस तरह से जो घटना हो रही है, बड़ी बड़ी पुल का गिर जाना, इससे बिहार के छवि को तो धक्का लग ही रहा है। पूरे विश्व के पटल पे आप इसको देखेंगे तो ये घटना जो है उपहास का कारण हो गया, इससे भारत की छवि गिर रही है। और बिहार में तो भ्रष्टाचार का मतलब चरम बोला वाला है। ये पुल क्या अभी तो और ज़्यादा पुल गिरेंगे, अभी कोई पहली घटना नहीं है। सरकार जो है जो मापदंड जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ पैसा कमाने और बिल पेमेंट करने पे लगी। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो राज्य सरकार को क्या इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में? देना चाहिए। जनता का जो करोड़ों का जो मेहनत का रुपया है उसको आप इसी पानी में बहा दीजिएगा तो भारत बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पुल गिर गया है सर, 1700 की लागत। घटना नहीं हुई है, लगातार दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। और जो सरकार मतलब समझिए कि इस तरह से जो घटना हो रही है, बड़ी बड़ी पुल का गिर जाना, इससे बिहार के छवि को तो धक्का लग ही रहा है। पूरे विश्व के पटल पे आप इसको देखेंगे तो ये घटना जो है उपहास का कारण हो गया, इससे भारत की छवि गिर रही है। और बिहार में तो भ्रष्टाचार का मतलब चरम बोला वाला है। ये पुल क्या अभी तो और ज़्यादा पुल गिरेंगे, अभी कोई पहली घटना नहीं है। सरकार जो है जो मापदंड जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ पैसा कमाने और बिल पेमेंट करने पे लगी। कौन जिम्मेदार है सर इसके लिए? राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो राज्य सरकार को क्या इस्तीफा देना चाहिए इस मामले में? देना चाहिए। जनता का जो करोड़ों का जो मेहनत का रुपया है उसको आप इसी पानी में बहा दीजिएगा तो भारत बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वही आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर सांसद अजय निषाद का कुछ कह रहे थे। वही ने सीधे तौर पर कहा है कि ये 1750 करोड़ की लागत से पुल जो ध्वस्त हुआ है, इसके लिए सीधे राज्य सरकार दोषी है और इस पूरे मामले को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कह सकते हैं कि पुल ध्वस्त होने के मामले में मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।